सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं तो उसको किस तरीके से देखें। जैसे कि आपको बॉडी वगैरह अच्छे से चेक कर लेना है। ये तो फिलहाल मेरा ही लैपटॉप है। अगर आप कहीं से भी लैपटॉप ले रहे हैं तो याद रखिए लैपटॉप की बॉडी अच्छे से चेक कर लेना है। लेकिन जब लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड वगैरह, ये माउस वगैरह जो अंदर की बात होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ हमको कैसा पता चले कि ये सही है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हम लेने को तो ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेबसाइट से ले लेते हैं या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप ले लेते हैं। एक सवाल उठता है, अगर कोई सेकंड हैंड लैपटॉप आपको बेच रहा है तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो सामने वाला बेचेगा क्यों? कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको यकीनन कोई प्रॉब्लम होती है, जैसा कि उनको नया लैपटॉप लेना है या फिर या जो जैसा जो यूट्यूबर में लैपटॉप यूज़ करते फिर वो सेकंड बेच देते, या फिर उनको चाहिए ही नहीं लैपटॉप या कुछ और लेना है, या फिर जो भी एग्जांपल। तो कुछ लैपटॉप ऐसे भी आते हैं कि जो बेच दिए जाते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप लेते हैं तो 2 से 3 साल पुराना होता है या 2 साल पुराना होता है या साल भर भी पुराना होता है। तो याद रखिए उनसे अपने जो है वारंटी कार्ड या फिर या बिल जो भी उनके पास से ले लीजिए। अगर बिल वगैरह भी मौजूद नहीं है उनके पास तो उनके पास से आधार कार्ड लीजिए और उनके सिग्नेचर एक बार उस आधार कार्ड के जेरोक्स पे करके ले लीजिए, ताकि जेरोक्स लेके तो आपके लिए सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये बॉडी तो आपको देख लेना है। बॉडी देखने के बाद जो इसके अंदर का पार्ट वो किस तरीके से देखा जाए, कंप्यूटर से ही हम पूछेंगे, ये लैपटॉप से हमको पूछना है कि हमको बता भाई कि क्या क्या तेरे में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, चार्जर लेना है, चार्जर लगा लेना है लैपटॉप में। चार्जर लगाने के बाद लैपटॉप को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे फंक्शन यानी F12 की जो है वो प्रेस करना है। F12 की प्रेस करने से इसका बूट मेनू वगैरह सब आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आना है, अदर्स में जाना है, डायग्नोस्टिक लिखा होगा यहाँ पर, यहाँ पे देखो डायग्नोस्टिक लिखा होगा। हाँ, डायग्नोस्टिक पे हम कर लेंगे इंटर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे एक इस तरीके का बन के आएगा आपके सामने। मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। जब इस तरीके का ऑप्शन आए ना आपके सामने तो यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा यस और नो का। आप देख रहे होगे यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा वाई पे क्लिक करूँगा या फिर इंटर पे क्लिक कर लूँगा। तो ये जो है आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखो, जैसे ही मैं वाई पे क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर केबल जो है यानी मेरा चार्जर कनेक्ट है, यानी समझिए कि चार्जर में कोई मिस्टेक नहीं है। नोटबुक पैनल बराबर, इसमें भी कोई मिस्टेक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये हार्ड डिस्क को चेक कर रहा है। और दूसरी बात ये देखो, सीडी डीवीडी यानी जो डीवीडी है, डीवीडी वगैरह जो लैपटॉप में लगती है, तो वो भी जो है मेरा बराबर है। ओएस बूट पाथ वो भी बराबर है। यूएसबी डिवाइस भी जो केबल वगैरह है वो भी बराबर है। यहाँ पे वेबकैम जो थोड़ा देर पहले लाइट यहाँ पे ओपन हुई थी हल्की सी, वो भी जो है वो भी बराबर है। और यहाँ पे प्राइमरी बैटरी भी जो है बराबर है, चार्जर भी बराबर है, सीपीयू फैन जो है वो भी बराबर है, और केबल और ये चार्जर जो है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल चार्जर और केबल में वो बता रहा है कि केबल भी बराबर है, चार्जर मतलब पूरी बात बता रहा है। प्रोसीजर जो है हमारा मेन चीज़ वो भी बता रहा है कि यहाँ पर जो है वो बराबर है, और सिस्टम मैनेजमेंट भी बता रहा है बराबर है। अब वो थोड़ा सा टाइम लेगा, वो चेक करेगा कि मेमोरी मतलब रैम और जो ये ऊपर के हार्ड डिस्क, अब ये दोनों को चेक करेगा कि सारे पार्ट तो मुझे बराबर दिखे। ये लैपटॉप स्क्रीन टच है तो इसको ऑन करने के बाद मेरे को स्क्रीन टच जो है वो यूज़ कर लेना है। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, मैंने तो पहले सबसे पहले इसका बॉडी देख लिया कि कैसी बॉडी है, बॉडी सही है या नहीं है या बेकार है, बॉडी मुझे देख लेना है। बॉडी देखने के बाद जो अंदर का पार्ट पूरा यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर पार्ट मेरे बराबर है तो समझिए कि लैपटॉप 100% सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैपटॉप को थोड़ा सा यूज़ भी करके देखना है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपको सब क्लियर, सब समझ में आएगा कि सब चीज़ क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने लिए यूज़ भी कर लीजिए क्या किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, आपके बराबर है क्या नहीं, 4 GB रैम या 8 GB रैम या 2 GB रैम या फिर हार्ड डिस्क वगैरह, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी और बाकी की आपके लैपटॉप वगैरह में मिल जाएगी। इसमें सर्विस कोड वगैरह भी दिया है, आप डेल सपोर्ट में भी कॉन्टैक्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन में पूछ सकते। देखो यहाँ पे जब मैं इसमें जूम करूंगा
थोड़ा सा अपने कैमरे को जूम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ऊपर आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सर्विस टैग कुछ नंबर आपको दिख रहा रहेगा, देखो सर्विस टैग नंबर जो कि वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सर्विस टैग नंबर पे भी आप गूगल पर dellsupport.co.in पे जाने के बाद चेक कर सकते हैं क्या ये मेरा लैपटॉप कितना पुराना है, या फिर जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है आपको तो डेल को कॉन्टेक्ट करके आप अपना सर्विस टैग नंबर वगैरह बताकर पूछ सकते हैं कि ये लैपटॉप कैसा है, कितना साल हो गया, थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और ये जो है ये लास्ट में इसी तरह से आपको परफॉर्मेंस देने के बाद ऑप्शन आएगा यस और नो का, तो एन दबा देना है, नो कर देना है, सब चीज़ जो है वो क्लियर आपको इसमें मिल जाएगी। अगर दोस्तों इसमें भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे। अगर कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं वहाँ पे दिया नहीं, कॉन्टैक्ट से मतलब ये है कि मुझे ईमेल आईडी है diamondeducationforyou.98@gmail.com, उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से ईमेल कीजिए मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब जो है वो जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।